हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे अम्लसार व लवण पर। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कार्बन व उसके यौगिकों पर। उस पर बेस हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे जो कि एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और आज हम बात करेंगे अम्लसार व लवण पर, जो कि एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और ये जो आज का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पूरी क्लास लेनी है। इसमें आपको महत्वपूर्ण बताए जाएंगे जो कि एग्जाम में आएंगे, यानी कि इसमें एक क्वेश्चन आपको राजस्थान पुलिस के अंदर जरूर मिल जाएगा। तो हम आज बात करेंगे अम्लसार व लवण पर। तो पहले हम बात समझेंगे कि अम्ल की पहचान किसे करते हैं और सार की पहचान किसे करते हैं और लवण क्या होते हैं। तो हम समझते हैं कि अम्ल की पहचान किसे करते हैं। तो पहले हम लेते हैं अम्ल व सार की पहचान। अम्लसार की पहचान हम पहले इससे कर सकते हैं, पीएच मान से भी कर सकते हैं, पीएच मान से भी कर सकते हैं, और लिटमस पत्र से, यानी कि उस पर रंग बदल जाएगा। अगर अम्ल का होगा तो अलग होगा और सार होगा तो उसका रंग अलग हो जाएगा। और आयन से भी देख सकते हैं, यानी कि अम्ल जो होते हैं वो जल में अलग आयन देंगे और सार जो है वो अलग आयन देंगे। तो पहला लेते हैं हम पीएच मान। पीएच मान, ये पीएच मान ले लिया हमने, ये 7, यानी कि 7 पर क्या होता है, हमेशा उदासीन। अगर 7 से हम कम आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। यानी कि पीएच का मान अगर 7 से कम होगा तो वो क्या होगा, अम्ल। अगर 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, सार। और लिटमस, अब दूसरा लेते हैं हम लिटमस पत्र। अब लिटमस पत्र को हम एक ट्रिक द्वारा याद करते हैं, यानी कि एक हमने नाम ले लिया अनिल, यानी कि अम्ल। अगर अम्ल होगा वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल। यानी कि अगर लिटमस पत्र नीला है तो उसको क्या कर देगा, नाल। और सार को लेते हैं, यानी कि इसको भी हम ट्रिक से लेते हैं, यानी कि सालिनी। यानी कि सार जो होगा वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला। ये आपको ट्रिक है, आसानी से याद रहेगी आपको और क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। और तीसरा क्या लेते हैं हम, आयन। यानी कि अम्ल जो होते हैं वो जल में क्या देते हैं, H+ आयन, और जो सार होते हैं वो जल में क्या देते हैं, OH- आयन। ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में आपको पूछ सकता है। यानी कि अम्ल जो है जल में क्या आयन देंगे, तो H+ देंगे, और जो सार जो है वो जल में क्या देंगे, OH-। तो इसमें से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, यानी कि अगर आपको मान दे देगा, यानी कि 6.5 दे दिया तो वह क्या है, अम्ल है। यानी और कुछ मान दे दिया जैसे 7.9 दे दिया तो वो क्या होगा, सार। ओके, तो इसके आगे हम देखते हैं, ये हमने समझ लिया अम्ल अच्छी तरीके से, अम्ल व सार की पहचान। तो इसके आगे हम कुछ अम्ल देते हैं, अम्ल यानी कि अम्ल प्राकृतिक अम्ल देखते हैं। प्राकृतिक अम्ल यानी कि इनमें से आपको राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। यानी कि दो ही टॉपिक है, पहला देख हम दिखा देते हैं आपको, लवण में से भी पूछ सकता है और आपको प्राकृतिक अम्ल से भी पूछ सकता है। तो हम पहले देखते हैं प्राकृतिक अम्ल, यानी कि इनमें से आपको एक क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में जरूर मिलेगा। तो पहला हम इसको, अम्ल को हम ऐसे तो याद नहीं रख सकते, यानी कि बहुत सारे अम्ल है, तो इसको हम एक ट्रिक से लेते हैं, यानी कि सापा लेकर आए रिक्शा में। तो यानी कि सापा, सा से क्या होगा, साइट्रिक अम्ल। अब साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। और फा से क्या होगा आपका, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल यानी कि डंक, यानी कि चिट्ठी के डंक में या मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। और ले से क्या होगा आपका, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। और आज से क्या होगा, ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल आपके पालक में या टमाटर में, इसमें पाया जाता है। और ऐसे क्या होगा, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में। और रिक्शा यानी कि टार्टरिक, इसमें आ गया आपका, आ गया टार्टरिक। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, जैसे कि कच्चे आम हो गए, अंगूर हो गए, इमली हो गई, वे किस में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। यानी कि टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली, कच्चे आम, इनमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये आपके हो गए प्राकृतिक अम्ल। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनमें से एग्जाम में आपको एक ना एक कोई सा भी आपको मिल जाएगा, यानी कि क्वेश्चन दे देगा, यानी कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, HC OH। इससे भी लिख सकते हैं, यानी कि आपको ये भी दे सकता है। तो ये आपको ट्रिक बेस याद में रखना, याद रखना आपको, और जो एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो दूसरा हम देखते हैं लवण। दूसरा क्या देते हैं, लवण। ये भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण, इनमें से आपको कोई से भी पूछ सकता है। यानी कि नमक का रासायनिक सूत्र पूछ सकता है, कास्टिक सोडियम का रासायनिक सूत्र पूछ सकता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछ सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नमक का क्या होता है, NaCl, कास्टिक सोडा का क्या होता है, NaOH, और विरंजक चूर्ण, ये
महत्वपूर्ण है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है CaOCl2 और बेंकिंग सोडे का क्या होता है NaHCO3। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी से क्या बनता है धावन सोडा। धावन सोडा किससे बनता है NaHCO3 को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा Ca यानी कि NaCO3 क्या बनेगा आपका NaCO3 बन जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे 10H2O ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका धावन सोडा। इसमें देखो 10H2O ऐड हो गया तो ये क्या आपका बन जाएगा धावन सोडा। तो आपको याद रखने के साथ साथ समझना भी है ताकि हम भूले ना। और इसमें क्या दे रखा है आपको ये एक साथ याद रखना है यानी कि COSO4 पहले हाफ आ गया फिर क्या आ गया 2 आ गया फिर क्या आ गया 5। तो इनमें आप साथ में याद रखेंगे तो आपको सब याद भी हो जाएंगे। तो जिनमें हाफ आ रहा है यानी कि COSO4 हाफ H2O तो वो क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये क्या है COSO4 2H2O हाफ के बाद क्या आ रहा है 2 तो वो इसका क्या हो जाएगा जिप्सम। ये भी आपको ध्यान में रखना है एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके आगे क्या है COSO4 5H2O तो इसमें क्या है नीला तोता। इसको अगर हम गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा सफेद बन जाएगा यानी कि H2O निकल जाएगा और क्या बचेगा CuSO4 तो ये क्या होगा सफेद तोता हो जाएगा। तो ये भी आपको ट्रिक बेस याद में रखने हैं। लवण इनमें से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है यानी कि आपके पास दो ही है पहला क्या है प्राकृतिक अम्ल और लवण। अगर इन दोनों को आप याद कर लोगे तो एग्जाम में आपको एक ना इन दोनों में से एक नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। तो इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे महत्वपूर्ण जो कि एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर बेस और लवणों पर बेस भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं और पीएच मान पर भी क्वेश्चन करिए। तो चले हम क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। तो पहला आपका देखो वही पूछ लिया प्राकृतिक अम्लों पर पूछ लिया तो निम्न में से गलत सेट चुनिए यानी कि अम्ल आपके सारे आ गए। तो आपने अगर ट्रिक बेस याद रखा है तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में और पालक में पाया जाता है और इमली टार्टरिक अम्ल ये भी हमने समझाया था रिक्शा यानी टार्टरिक। तो इमली ये इमली में पाया जाता है और कच्चे आमों में भी पाया जाता है और सिरका एसिटिक अम्ल में भी पाया जाता है और यह यहाँ पे खट्टे क्या है ये दही है इसमें नहीं दे रखा यहाँ पे क्या है दही। तो दही जो होता है वो किस में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल में। तो इसमें गलत पूछ रखा है तो गलत यही है कि सिट्रिक अम्ल जो होता है वो किस में पाया जाता है नींबू में पाया जाता है ना कि दही में नहीं पाया जाता। दही में केवल क्या होता है लैक्टिक अम्ल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा इसका ये डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है प्राकृतिक अम्ल आपको रट के रखना है ट्रिक बेस ओके। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी ओके। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मधुमक्खी और नेटल डंक में। अभी हमने देखा था चींटी के डंक में और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। अब देखो इसमें अलग पूछ लिया मेथेनोइक बोल दिया। अब मेथेनोइक क्या है HC OH इसी को क्या बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। तो इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं और मेथेनोइक एसिड यानी कि ये इसका नाम दे दिया और ये इसका रासायनिक नाम दे रखा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। टार्ट्रिक एसिड ये इमली में पाया जाता है साइट्रिक एसिड ये किस में पाया जाता है आपके नींबू में एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है आपके सिरके में। तो आपको डंक वाला पूछ रहा है यानी कि मधुमक्खी या चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है फॉर्मिक एसिड ये आपको ध्यान में रखना है ओके। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके डाक के पौधे में पत्तियों में प्रकृति कैसी होती है। डाक के पौधे की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है सारी होती है। तो इसमें सारी है अम्ल सारी है दोनों नहीं होती एक ही होता है इसका सारी है। तो इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा ओके। और आज मकर संक्रांति है मकर संक्रांति की आपको और आपके परिवार को बहुत ही शुभकामनाएं ओके। आपका परिवार खुशहाल रहे। तो फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा आपका यानी कि फोर्थ क्वेश्चन सॉरी मुंह का पीएच मान जब से कम यानी कि किससे कम हो जाए जब दांतों का सही होने लगे यानी कि दांत खराब होने लगे। तो दांत पीएच मान ये हमने अभी भी देखा था पीएच मान 7 से कम है तो क्या होगा अम्लीय और 7 से ज्यादा क्या होगा सारी है। तो
तो इसमें पूछ रखा है मुंह के पीएच का मान कितना कितने से कम हो जिससे कि हमारे दांत खराब होने लग जाए। तो 5.5 से अगर आपका पीएच का मान कम होगा तो हमारे दांत क्या हो जाने लग जाएंगे, खराब होने लग जाएंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी, 5.5 से कम। ओके, तो ये अमली में आ जाएगा। ओके, तो इसका आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दांतों का इनमेल किससे बना होता है जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। तो दांतों का जो इनेमल जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। तो कैल्शियम फॉस्फेट किसमें दे रखा है, इसके बी ऑप्शन में दे रखा है। ओके, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर जो पीएच जो होता है वो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। तो ये किसमें दे रखा है, इसके बी ऑप्शन में। तो हमारे शरीर का जो ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4। हमारे शरीर के ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4। ये भी आपको क्वेश्चन में ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। वैसे ब्लड का पीएच मान पूछ सकता है, हमारे नॉर्मल शरीर का 7.4 होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारे नॉर्मल शरीर का पीएच मान कितना होता है, 7.6 से 7.8 के बीच। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान किससे कम होता है। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है, तो अम्लीय आ गया यानी कि 7 से तो कम ही होगा, 7 से तो ज्यादा नहीं होगा। तो ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया और ये भी गलत हो गया, यानी कि अम्लीय बोल दिया तो ये भी सारी है, ये भी सारी है, तो दोनों ऑप्शन में से है। तो दोनों ऑप्शन में कौन सा है, इसका 5.6। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है, कम से कम जो होता है 5.6 होता है। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपच। तो ये क्वेश्चन ऐसा है यानी कि हमारे शरीर के अंदर अगर खाना नहीं पचे तो हमारे शरीर के अंदर दर्द व जलन होने लगता है। तो वो जलन क्यों होता है, हमारे शरीर में खाना कौन पचाता है, HCl पचाता है। तो अगर हमारे शरीर के अंदर खाना नहीं पच रहा है तो इसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अम्लीय इसकी मात्रा बढ़ जाने के कारण हमारे शरीर में जलन व दर्द का अनुभव होता है। किसके कारण होता है, इसके कारण। ये खाने को पचाता है लेकिन अगर नहीं पचता है तो इसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसका किसमें ऑप्शन में दे रखा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसमें दे रखा है, इसके बी ए ऑप्शन में दे रखा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा असत्य है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपका, अधिक एच प्लस आयन देने वाले अम्ल प्रबल होते हैं। तो हमने अभी भी देखा था, तो जल में आयन देते हैं वो क्या देते हैं, अम्ल क्या देते हैं, आयन एच प्लस देते हैं। तो एच प्लस जितना अधिक आयन देगा तो वह सबसे क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। यानी कि एच प्लस अगर अधिक है, एच प्लस अगर अधिक है तो वह क्या होगा, प्रबल अम्ल। दूसरा क्या दे रखा है, अधिक OH आयन देने वाला सारक होगा। ये भी आपका सही है, ये भी सही है। सी क्या दे रखा है, एच प्लस आयन देने वाला अम्ल प्रबल होगा, यानी कि कम देने वाला, कम यानी कि अगर एच प्लस आयन कम देगा तो वो क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा, ना कि प्रबल अम्ल। तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। डी क्या दे रखा है, कम OH माइनस आयन देने वाला सारक दुर्बल सारक होता है, यानी कि कम दे रहा है तो वह क्या हो जाएगा, दुर्बल सारक। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें पूछ रखा है असत्य, तो असत्य इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस कौन सा कमजोर अम्ल है। अब कमजोर अम्ल वो को होगा जो H प्लस आयन कम देगा, यानी कि H प्लस में जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा, कमजोर अम्ल होगा। अब HCl है तो इसमें HCl और HNO3 और H2SO4 इसको हम एक से भी देख सकते हैं, यानी कि अगर कोई विद्युत ऋणी है जैसे कि CH3OH ये देख लिया, ये देख लिया हमें CH3OH, तो ये क्या होगा, OH विद्युत ऋणी अधिक है तो ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को क्या होगा, अधिक खींचेगा। तो इस पर प्लस आयन क्या होगा, अधिक आएगा। तो इससे भी, इस ट्रिक से भी हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, यानी कि H प्लस किस में आएगा, यानी कि Cl माइनस ये क्या है, अधिक विद्युत ऋणी है, तो ये H प्लस क्या हो जाएगा, अधिक होगा, यानी कि ये हो जाएगा प्रबल अम्ल आपका। और HNO3 इसमें भी ये अधिक विद्युत ऋणी है तो ये भी प्रबल अम्ल, ये भी प्रबल अम्ल, तो इसमें जो दुर्बल अम्ल है ये होगा,
आपका बी ऑप्शन। तो इसमें से पूछ रहा है क्या कि कमजोर अम्ल कौन सा है, जबकि ये सार जो है यानी कि सार के रूप में यह क्या है प्रबल है, यानी कि लेकिन अम्ल क्या है यह कमजोर है। ओके, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सारक जल में उत्पन्न, यानी कि सारक जल में क्या देता है, ये भी हमने देखा था शुरू शुरू में। सारक जो जल में आयन देता है वो क्या देता है, OH- आयन देता है, और अम्ल क्या देता है, एच प्लस आयन देता है, और सारक क्या देता है, OH- माइनस। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको क्वेश्चन भी देख लो पूछ लिया, तो ये इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगर किसी विलयन का पीएच का मान 7 से अधिक है, अगर विलयन का मान पीएच का मान 7 से अधिक है तो वो क्या होगा, सार ही होगा। अगर किसी भी पीएच का मान अगर 7 से अधिक है तो वो क्या होगा, सार ही होगा। तो ये पूछ रखा है इसका मतलब विलयन में क्या है, यानी कि आयनों की संख्या कौन सी ज्यादा है, यानी कि एच प्लस की ज्यादा है या ओ एच माइनस की। सारी है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ओ एच माइनस की ज्यादा होगी, ओ एच माइनस आयन की अधिक संख्या होगी, तभी वह क्या होगा, सारी होगा। तो इसी कौन से ऑप्शन में दे रखा है, हाइड्रोक्साइड आयन की अधिक संख्या। तो इसके कौन से ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, हाइड्रोनियम आयन की संख्या अधिक है, हाइड्रोजन आयन की संख्या अधिक है, और सी ऑप्शन दे रखा है आपका हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या अधिक है, इसीलिए वह क्या होगा, सारी है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो पहला आपका क्या दे रखा ऑप्शन, सारी विलयन विद्युत का चालन होते हैं, सारी विलयन विद्युत का चालन होते हैं, क्योंकि इसमें OH पर क्या होता है, नेगेटिव आयन, और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव आयन के प्रवाह के कारण क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। तो इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और बी दे रखा है अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं, तो ये भी आपका सही है। अम्ल जो होते हैं केवल जलीय विलयन में ही आयन देते हैं, यानी कि क्या आयन देते हैं आपका, एच प्लस आयन। और सी ऑप्शन क्या दे रखा है आपका, हाइड्रोजन आयन जल में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, ये भी आपका सही है। हाइड्रोजन आयन जो है वो जल में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, क्योंकि ये H2 के साथ क्रिया कर लेता है, जल में है तो जल के साथ तो क्रिया करेगा, क्या बना देता है आपका, H3O पॉजिटिव आयन, ये दोनों मिलकर आपके क्या बना लेते हैं, H3O पॉजिटिव। तो ये स्वतंत्र ना रहकर इस रूप में रहता है जलीय आयन के रूप में, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन को समझ के करना है आपको। अगर आपको ऑप्शन को समझ के करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, इसीलिए मैं हर ऑप्शन को आपको समझा के बता रहा हूँ, ताकि एग्जाम के अंदर आपका कोई भी ऑप्शन जो है यानी कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर समझ के करोगे तो आपका क्वेश्चन 100% गलत नहीं होगा, अगर बिना समझे के करोगे तो आपका पक्का है गलत करके आओगे। तो डी ऑप्शन क्या दे रखा है, सभी सारक जल में घुलनशील होते हैं, सारक जो होते हैं जल में घुलनशील नहीं होते, यानी कि सभी नहीं होते, कुछ होते हैं, तो सभी सारक जल में घुलनशील नहीं होते, ये घुलनशील होते हैं तो सभी नहीं होते, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, और ऐसे तो इसमें पूछ रखा है, तो इसका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये आपको सी ऑप्शन समझ में आ गया, हाइड्रोजन आयन जो है स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, किस रूप में पाया जाता है, H3O पॉजिटिव के रूप में। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया आपको। 14 क्वेश्चन दे रखा है अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड क्या होती है आपकी, अम्लीय, और सभी धातु ऑक्साइड क्या होती है, सारी है, तो आपकी अधात्विक ऑक्साइड क्या हो जाएगी आपकी, अम्लीय, और उदासीन क्या होते हैं आपके, लवण हो जाएंगे, तो सारी क्या हो जाएंगे, धातु ऑक्साइड होते हैं आपके, क्या हो जाएंगे, धातु ऑक्साइड। ओके, तो इसका अधात्विक ऑक्साइड का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी, अधात्विक जो भी ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय, और सारी क्या होते हैं, धात्विक ऑक्साइड होते हैं। ओके, ये क्वेश्चन क्या दे रखा आपका, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, धातु ऑक्साइड हो गया प्लस अम्ल, अम्ल लवण, लवण प्लस जल, यानी कि ये मिलके आपको क्या देंगे, लवण प्लस जल देंगे, तो धातु ऑक्साइड ले लेते हैं हम, एक क्या ले लेते हैं, MgO, ये आपकी क्या हो गई, धातु ऑक्साइड, पांच प्लस क्या दे रखा आपका, HCl, ये हमने ले लिया अम्ल, ये हो गया आपका अम्ल, और ये क्या हो जाएगा, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। तो इससे क्या बनता है, तो क्या बनता है आपका, MgCl2 + H2O। ओके,
तो ये आपका लवण हो जाएगा, MgCl2 लवण, H2O क्या हो जाएगा, जल। अतः धात्विक ऑक्साइड को भी कहते हैं, यानी कि धात्विक ऑक्साइड, तो धातु ऑक्साइड जो होती है, हमने अभी देखा था धातु ऑक्साइड क्या होती है, हमेशा सारी है, और अधातु क्या होती है, अम्लीय होती है। तो धातु ऑक्साइड हमेशा क्या होगी, सारी ऑक्साइड। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, MgO। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का विविध रूप है। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर भी है इसका, ये चौक है, खड़िया, इसको चौक बोलते हैं, चौक जो हम बोर्ड पे यूज लेते हैं, चौक, संगमरमर। तो इसका बी, यानी कि तीनों ऑप्शन इसके सही है, कैल्शियम कार्बोनेट का तीनों के लिए उपयोग है, तो इसके तीनों ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जब कॉपर ऑक्साइड तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है तब नीला विलयन हरित रंग का हो जाता है, तो यह बनने का कारण क्या है, इसे हम देख लेते हैं। आपका क्या दे रखा है, कॉपर ऑक्साइड प्लस क्या दे रखा है आपका, HCl। तो ये क्रिया करके क्या बना लेगा, CO CL2 प्लस क्या बना लेगा, H2O। तो ये पूछ रखा है, ये किसमें दे रखा है, कॉपर क्लोराइड। तो ये पूछ रखा है विलयन नीला हरित रंग का हो जाता है, वो किसके कारण होता है, ये हो जाता है कॉपर क्लोराइड के कारण। तो कॉपर क्लोराइड किसमें दे रखा है आपके, ए ऑप्शन में दे रखा है। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये छीने का नहीं है, यहाँ पे क्या है, चूने का पानी है, चूने के पानी में गैस, कौन सी गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। तो चूने के पानी यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, इसमें किस, कौन सी गैस होती है, कार्बन डाई ऑक्साइड यानी कि CO2। इसके प्रवाह के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CaCO3, Ca कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेगा। तो ये कौन सी गैस के कारण होता है, CO2 गैस प्रवाहित करने पर, किसके अंदर, चूने के अंदर, चूने के पानी के अंदर अगर हम CO2 प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेगा। तो ये CO2 इसका सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि CO2 के प्रवाह के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, दूधिया। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लिटमस विलयन रंग का रंजक होता है, लिटमस विलयन का रंजक जो होता है वो क्या होता है, बैंगनी होता है आपका, बैंगनी होता है। ओके, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लिटमस लाइकन के पौधे से प्राप्त किया जाता है, यह किस समूह में आता है। तो ये जो समूह में आता है वो क्या होता है आपका, थेलोफाइटा, ये आपको ध्यान में रखना है, जो समूह में आता है वो क्या होता है आपका, थेलोपाइटा, यानी कि लिटमस लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है, यह किस समूह में आता है, जो समूह है इसका क्या है, थेलोपाइटा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं जिसके गंध से अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता चलता हो। तो उसको क्या कहते हैं, गंधीय सूचक, यानी कि हम गंध लेकर भी हम बता सकते हैं कि वह कौन सा है, अम्ल है या सार है। तो इसका ज्यादा यूज नहीं होता वैसे, तो इसका बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि गंधीय सूचकों से हम पता लगा सकते हैं कि अम्ल है या सार है। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है और आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा। हमारी क्लास को आप उन्हें पूरा देखना है, और इसमें आज के टॉपिक में जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो महत्वपूर्ण है, और जो कि बताया गया है वो भी एग्जाम में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी कि राजस्थान पुलिस के अंदर आपको इनमें से जो हमने पहले डिस्कस किया था, कौन से प्राकृतिक अम्ल व लवण पर, उनमें से आपको एक क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के अंदर जरूर मिल सकता है। ओके, आप हमारे पर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको फ्री PDF मिल जाएगी क्वेश्चनों की। ओके, और मकर संक्रांति की आपके और आपके परिवार को बहुत ही शुभकामनाएं, आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरे और खूब पतंगे उड़ाएं।